हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट्स पर। हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने ये बात करी कि एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को करने के लिए क्या क्या टिप्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज सिर्फ इतना बात करेंगे कि एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बाद में कुछ शॉर्ट में ये भी टिप्स पर भी डिस्कस कर लेंगे, जस्ट टू मेक द टॉपिक कंप्लीट कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कम करना चाहते हैं आप एक्सरसाइज के माध्यम से। तो टॉपिक पर जाने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहला चीज़ जो मैंने बार बार अपने हर एक्सरसाइज वाले वीडियो में, ऑलमोस्ट हर कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियोज़ में भी बोला है कि एक्सरसाइज से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को 15 से 25 या 30% तक मैक्सिमम कम कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। यानी मान लीजिए अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 है और आपको एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को 100 पे लाना है, तो उतना एक्सरसाइज से अलोन अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। आप 15 से 20% या 30% मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना एग्रेसिवली आप एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज के साथ और क्या क्या चीज़ों को आप इन्वॉल्व करते हो उस बात पर डिपेंड करेगा। आप अगर सब कुछ प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 200 कोलेस्ट्रॉल लेवल से आप 130, 140, 150 तक ला सकते हो, पर 200 से अगर आपका कट ऑफ 70 है वहाँ तक ला पाना मुश्किल है। और उसके लिए भी बहुत अग्रेसिव आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज को भी लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप अगर 10 दिन 15 दिन मैंने एक्सरसाइज करके फिर बंद कर देते हो तो फिर उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा और फिर वापस आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ही पहुँच जाएगा जितना वो पहले था। तो अगर आपको लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उसके लिए उतनी अग्रेसिवली एक्सरसाइज करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा तो ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग थोड़े दिन एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं उनको उतने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग हमको इस तरह से मैसेज करते हैं कि साहब मैंने एक्सरसाइज करी, इतने दिन एक्सरसाइज करी लेकिन मेरे कोलेस्ट्रॉल ज़रा भी कम नहीं हुआ, या एक्सरसाइज करने के बावजूद भी मेरी दवा की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई, या मैं दवा ले रहा हूँ तो मेरी दवा बंद क्यों नहीं हो पा रही, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज का इफेक्ट काफ़ी हद तक इनकंसिस्टेंट होता है, दवा का इफेक्ट काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट होता है। मान लीजिए आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 है तो आपने 10 मिलीग्राम का टैबलेट चालू किया रोजवा स्टैटिन का तो वो 160 170 पे आ जाएगा, आपने 20 मिलीग्राम का किया तो 150 160 पे आ जाएगा। फुल डोज यानी 40 मिलीग्राम आपने रोजवा स्टैटिन या 80 मिलीग्राम जटोरवा स्टैटिन दे दिया तो 200 से आपका कोलेस्ट्रॉल 100 110 तक तो आ ही जाएगा। भले आपका कट ऑफ चले 70 है, उतना अचीव हो पाएगा यानी वो श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी 200 एलडीएल आपका है तो उससे 100 तक तो आप ले आओगे। इतना अगर आप फुल डोज पे मेंटेन किया, साथ में अगर एजिटिमिब भी ऐड किया, बेंपेडोइक एसिड भी ऐड किया, तो आप 70 का कट ऑफ भी आराम से अचीव कर सकते हो। तो मतलब मेडिसिन से आपको डोज के हिसाब से एक कंसिस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, जितना ज़्यादा आप डोज लोगे उतना आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से या कोई अदरक लहसुन वगैरह लेने से या कोई भी डाइट कोई मॉडिफिकेशन करने से आपको जो इफेक्ट मिल रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। आपका कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 190 आ जाएगा, कभी 180 आ जाएगा, कभी फिर 200 चला जाएगा, कभी फिर 210 चला जाएगा, मतलब उसी के आसपास हॉवर करता रहेगा। 200 से 150 के बीच में आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वीवर करता रहेगा। डिपेंड करता है कि आप डाइट को कितना अग्रेसिवली फॉलो कर रहे हो, कितना रिजेसिव फॉलो कर रहे हो, कितना अग्रेसिवली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स यूजली आप रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से खराब यानी कोलेस्ट्रॉल जो नलियों में डिपॉजिट होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कुछ हद तक कम होता है, जो कि बॉडी का एक तरह से फैट का करेंसी है, जो फैट की सेल्स को अलग अलग जगह पर लेके जाता है, फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, तो वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपका कुछ हद तक कम हो जाएगा। वेरी कितना वैल्यूज करेगा वो 10 to 15% या 30% तक मैक्सिमम जा सकता है। कितना अग्रेसिवली एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, कोलैटरल्स इम्प्रूव करता है, तो ओवरऑल हार्ट अटैक आने का चांस भी कुछ हद तक कम हो जाता है। अब बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हो अगर तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप हफ्ते में एक बार जाओगे या महीने में 4 बार जाओगे, रैंडमली कभी जाके 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली, कभी कुछ नहीं किए, तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल पर कोई सिग्निफिकेंट अच्छा फर्क नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करिए, वॉकिंग रनिंग जॉगिंग स्विमिंग इस तरह की ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करिए, मतलब वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ज़्यादा कीजिए, जंपिंग और स्किपिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे जॉइंट पर खराब असर पड़े वो कम करिए।
रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं यानी बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, पर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। अनलेस आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो करिए, पर अदरवाइज उतना मत करिए। हाँ, उसको करने से भी कुछ हद तक आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेगा और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन हाँ, वेट ट्रेनिंग करने के बदले ज़्यादा आपको स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए, स्लो लेवल पर चालू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप किस अलग अलग तरह की एक्सरसाइज को मिक्सअप कर सकते हैं। किसी दिन आप अगर आप एक ही तरह के एक्सरसाइज के बहुत फ़ैन नहीं है तो किसी दिन वॉकिंग को जाइए, किसी दिन रनिंग को जाइए, किसी दिन स्विमिंग को जाइए, किसी दिन डांस को जाइए, किसी दिन एरोबिक्स को जाइए। अलग अलग तरह की आप एक्सरसाइज करेंगे तो हर तरह की एक्टिविटी करने से आपका बोर्डम कंपैरेटिवली कम होगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ और फिटनेस थोड़ा बेटर आएगी, थोड़ा ही फिटनेस इंप्रूव होगी। तो आप प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे एक्सरसाइज का तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में हेल्दी ईटिंग भी करना ज़रूरी है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे और खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगे या एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लोगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने मिलेगा। तो आपको कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज के साथ डाइट पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट दिखता है तो, या मेडिसिन के बावजूद भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कोई एक्सरसाइज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि अपना हार्ट रेट को भी प्रॉपर मॉनिटर करिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हार्ट रेट नहीं बढ़ाइए, खासकर अगर आपको सीवियर हार्ट फेलियर या सिग्निफिकेंट हार्ट एक कार्डियक प्रॉब्लम है तो हार्ट रेट को भी मैनेजेबल, जितना आपको डॉक्टर ने सेट टारगेट हार्ट रेट दिया है उसके हिसाब से मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। मॉनिटर करते रहिए अपने रेगुलर हार्ट रेट को। इसके अलावा कपड़े जो आप पहन रहे एक्सरसाइज के दौरान वो भी प्रॉपरली मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े या बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े या बहुत ज़्यादा अनसूटेबल या अनफिट कपड़े ज़्यादा मत पहनिए, नहीं तो उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, सन स्ट्रोक होने का या हीट स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाएगा। हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, प्रॉपर ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर रहेगा। नेक्स्ट है कि बॉडी अगर आपको कुछ अलार्म सिग्नल्स दे रही है या कुछ ऐसे अबनॉर्मल साइंस दे रही है कि हाँ उस पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली ध्यान दीजिए, तो उसमें आपको थोड़ा बेटर जल्दी पकड़ पाएंगे आप प्रॉब्लम को और जल्दी उसे मैनेज कर पाएंगे। और हर एक्सरसाइज का एक वार्मिंग अप और कूल डाउन पीरियड होता है, 5-10 मिनट वार्मिंग अप एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद रेगुलर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट कूल डाउन भी की टाइम दीजिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और ओवरऑल मसल्स में डैमेज या इंजरी कम होगी। आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर पाओगे और ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज कर पाओगे, ज़्यादा इंजरीज नहीं होगी तो जिम मिस नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एक्सरसाइज के इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पर, इस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हैं उनके रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ 1 मिनट में समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में उसे शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं हेल्थ टिप्स की तरह। और इसी कंटेंट को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी रील्स में अपलोड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये यूज़फुल टिप्स रेगुलर बेस पे मिलती रहेंगी।